कांग्रेस सरकार के टाइम पे इतना डीजल था 100 रुपए के आसपास गया था, तभी स्मृति ईरानी ये बाबा रामदेव दाढ़ी वाला वो आंदोलन कर रहा था कि 35 रुपए होएगा हमारी सरकार लाके, तो अभी सरकार लाके दिया ना, तो देने के बाद भी इतने 35 रुपए क्यों नहीं है ये बताओ ना। इतना आंदोलन के बाद भी कोई सुन रहा है सर? आज ये पहली बार तो आंदोलन हो नहीं रहा है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर रोड पर हूँ और मीरा भाईंदर रोड पर क्योंकि इसको जूना पेट्रोल पंप भी बोलते हैं, भारत पेट्रोल पंप के बाहर आप ये देख सकते हैं बहुत सारी बाइक जो है पेट्रोल भराने के लिए आई हुई है। और इधर जो है शिवसेना की तरफ से जो है ये एक आंदोलन, यानी डीजल पेट्रोल और गैस के जो बढ़ते हुए दाम है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, शिवसेना की तरफ से इकट्ठा हुए हैं और इनका जो है ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल और गैस के दाम पे। यहाँ पे मीरा भाईंदर के जो शिवसैनिक हैं वो आए हुए हैं और ये देख सकते हैं आप, ये मीरा भाईंदर रोड पर जो है ये लोग ठीक पेट्रोल पंप के सामने आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते हुए थे, ये पेट्रोल के भाव बढ़ने से आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, क्या मतलब क्या समस्या इस तरह से जो बढ़ रहा है बढ़ना चाहिए क्या? जी सर, क्या बोलेंगे ये लोगों? अभी वो अपने मन के खूब बढ़ाते रहते हैं, उनको कौन बोलेगा। ज़्यादा बढ़ गया, 10-10 रुपया, 12-12, 15 रुपया बढ़ गया है, तो कम तो करते ही नहीं, बढ़ाते जा रहे हैं। हर आदमी को तकलीफ होने वाला है ना, महंगाई बढ़ते जाएगा, काम धंधा है ही नहीं। ओके, लॉकडाउन के हिसाब से इसमें मीडियम लोग को तो ज़्यादा ही भारी पड़ता है, पैसा वाले को कोई तकलीफ नहीं है। मुझे इतना कहना है कि जब भी कांग्रेस की सरकार थी तभी इतने ही दाम थे, तभी बीजेपी वाले ने क्या किया था, ऐसे ही आंदोलन किए थे और 35 रुपए लीटर करेंगे ऐसे बोले थे। आज उनकी सरकार है तो क्यों नहीं कर रहे 35 रुपए, या 80-90 रुपए 100 तक अभी पेट्रोल डीजल पहुंच रहा है, तो आदमी कैसा खाएगा, क्या जिएगा, क्या कैसा करेगा? उतना पगार भी नहीं बढ़ा रही आम आदमी लोग का। एक टाइम पे जब भी कांग्रेस सरकार के टाइम पे इतना डीजल था 100 रुपए के आसपास गया था, तभी स्मृति ईरानी ये बाबा रामदेव दाढ़ी वाला वो आंदोलन कर रहा था कि 35 रुपए होएगा हमारी सरकार लाके, तो अभी सरकार लाके दिया ना, तो देने के बाद भी इतने 35 रुपए क्यों नहीं है ये बताओ। मैंने वही कहना है कि अगर तुम ऐसा झूठ बोल के वोट हमारे से लिए हो, सरकार स्थापन किए हो, तो उसका कुछ ये करो, हम बस इतना ही कहना और कुछ। क्या नाम है आपका? राहुल पवार। राहुल पवार शिवसेना से जुड़े हुए? शिवसेना से जुड़ा हूँ, हिंदुत्व से जुड़ा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये राहुल पवार थे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया डाली। पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर क्या बोलेंगे, जो है सब सही है। आज ये लोग आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं, इतना आंदोलन के बाद भी कोई सुन रहा है सर? आज ये पहली बार तो आंदोलन हो नहीं रहा है, पहली बार तो हो नहीं रहा है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इतने आंदोलन के बाद भी कोई सुन रहा है क्या? क्या बोलेंगे सर, कुछ क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। बस जो हो रहा है हो रहा है, होने दो। दोस्तों कमोबेश जो है बहुत सारे लोग से हमने बात किया यहाँ पे, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन पहली बार तो हो नहीं रहा है, आंदोलन होता रहता है और जो इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। लोग कुछ लोग मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग जो है दुखी मन से जवाब दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पे इसका असर जरूर पड़ता है। अभी यहाँ पे हमें एक शिवसैनिक ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उस वो सरकार में नहीं थी, तो इन्हीं लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो डीजल और पेट्रोल के भाव कम होंगे, लेकिन अब उनकी सत्ता है तो क्यों नहीं ऐसा है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।